Assalamu alaikum foodies, welcome back to my channel. So I hope you all are doing great. And आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं चिकन 65 बनाने वाली हूँ along with vegetable शेजवान fried rice. तो ये जो चिकन 65 जो हमने बनाया है, आई हैव मेड दिस इन हैदराबादी स्टाइल. इसकी जो रेसिपी थी ये डैड ने अपने दोस्त से लेकर मुझे दी थी, एंड आई डिसाइडेड कि आई मेक दिस चिकन 65 यूजिंग दिस रेसिपी. सो आई होप यू गाइस विल लाइक इट. सो फर्स्ट टेक 1 kg ऑफ चिकन. सो यहाँ पे व्हाट वी डिड इज बिकॉज वी हैड गेस्ट कमिंग ओवर, सो हम लोगों ने 1.5 kg चिकन लिया था और इसके अंदर आई हैड एडेड 3 tablespoons of ginger and garlic paste. उसके बाद मैंने इसमें about 4 teaspoons of red chili powder डाला था. You guys can add it according to how much spicy you want your chicken 65 to be. Then I added into this half teaspoon of haldi, that is turmeric powder. इसके बाद हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया था. सो नाउ आई हैव एडेड हाफ टी स्पून, एंड व्हाइल आई वाज डूइंग द कुकिंग आई हैव एडेड अ बिट मोर सो दैट देयर इज अ गुड कलर टू द चिकन 65. देन आई एडेड सॉल्ट टू टेस्ट, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू ऐड द करेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग द चिकन टिक्का मसाला. सो उसमें भी सॉल्ट होता है, इसीलिए आप थोड़ा सॉल्ट डालिए और फिर हम इस मसाले को भी इसके अंदर डालेंगे. सो फॉर 1.5 kg ऑफ चिकन आई एडेड अबाउट 3 tablespoons of chicken tikka masala. So please make sure that आप salt भी सही amount डालें because इस मसाले के अंदर भी salt होता है. So after adding all the spices into your chicken, you are going to mix the chicken nicely, and I kept the chicken for marination for about 20 minutes. So इसको 20 minutes के लिए आप इसको marinate कर दें. इसके बाद you're going to need oil. So here I'm using sunflower oil. And इसके बाद वी आर गोइंग टू यूज़ अबाउट 3 to 4 chilies. ये chilies मेरी स्पाइसी नहीं थी, सो आई यूज अबाउट 3 to 4, एंड आई सेलेक्ट देम इन टू हाफ, एंड देन आई यूज सम करी लीव्स बिकॉज चिकन 65 में करी लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन योर मैरिनेटेड चिकन विच वॉज केप फॉर मैरिनेशन फॉर अबाउट 20 minutes. नाउ टेक योर कढ़ाई एंड एड ऑयल. I added about 5 tablespoons of oil, and then I put my chili and curry leaves into this. उसके बाद हमने जो हमारा chicken marinate करने के लिए रखा था वो हम इसके अंदर add कर देंगे. And now you're just going to let your chicken get cooked with the curry leaves and chilies in the oil. If you want आप इसके अंदर और थोड़ा add कर सकते हैं oil को, because the whole chicken is just going to get cooked in its own water and the oil. So after getting cooked for about like 15 to 20 minutes, this is how the chicken look like. Make sure that your chicken is nicely cooked. And at this point, if you want, you can add a bit more of food color if you like, so that it looks red in color. But I did not add more. I just added about 1 teaspoon in total. And yeah, so your chicken is done. It's nicely cooked. And this is how my chicken looked like at the end. I had garnished it with a little bit of coriander on the top. So इस डिश को बनाने के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग माई शेजवान वेजिटेबल फ्राइड राइस. सो इसको बनाने के लिए आप एक कढ़ाई लीजिए, इसके अंदर आप ऑयल ऐड करके इसमें स्लाइसेस ऑफ गार्लिक ऐड करेंगे. देन यू विल ऐड योर ग्रीन पीस जो हमने फ्रेश ली थी, एंड देन दैट वी एडेड, एंड आफ्टर दैट वी एडेड सम कैरेट. अगर आप चाहते हो तो आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हो, बट वी प्रेफर यूजिंग फ्रेश वेजिटेबल्स. आफ्टर दिस वी एडेड 2 cubes ऑफ मैगी की जो चिकन क्यूब्स होते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड किया था, सो दैट इट एड्स मोर फ्लेवर. सो आफ्टर योर कैरेट एंड ग्रीन पीस आर कुक्ड, देन ऐड योर कैरेट एंड कैप्सिकम इन टू दिस. उसके बाद हम जो हमारे स्प्रिंग अनियंस हैं उसका जो वाइट पार्ट होता है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड शेजवान चटनी और शेजवान सॉस. सो आई एडेड अबाउट 5 teaspoons of Szechuan chutney into this because हमें spicy बहुत पसंद है. And इसके बाद we are going to add soya sauce. So हमने इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 tablespoons of soya sauce ऐड किया था हमने इसके अंदर. After that you're going to just nicely mix all your vegetables together. फिर इसके बाद हम इसके अंदर 3 tablespoons of tomato ketchup ऐड करेंगे, और इसके बाद हम 2 to 3 tablespoons of green chili sauce भी ऐड करेंगे. And then you're going to mix all this really well, and then you will add your cabbage into this. Mix this all well, and then you're going to boil your rice on the other hand, and then you're going to add your boiled rice into this.
सो इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से हमने इसके अंदर हमारे जो एज मेंशन मैंने ये जो हमारे बॉयल्ड बासमती राइस थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए एंड देन वी मिक्स इट ऑल रियली वेल एंड एट दिस पॉइंट यू कैन टेस्ट एंड देन ऐड सॉल्ट बिकॉज सॉसेस के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है. तो इसके बाद हम इसके ऊपर हमारे जो फ्राइड पोटेटोस थे और जो ग्रीन पार्ट ऑफ द स्प्रिंग ऑनियन होता है वो हम इसके अंदर डाल के हम इसकी लिड को क्लोज करके वी विल लेट द फ्राइड राइस गेट कुक प्रॉपरली. So your Szechuan vegetable fried rice is now ready to be served along with your chicken 65 that you had made earlier. So I hope you guys have, you know, enjoyed the recipe that I made and shared with you guys. And if you guys want daily updates on what I cook, then don't forget to follow me on Instagram. And don't forget to like, comment and subscribe to my channel as well. And thank you for watching. Signing off with love, Sarah.